गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्विनी, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स पे। तो आज से हम एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग द हिंदू का एनालिसिस करेंगे और सभी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ उसके जुड़े हुए फैक्ट भी हम उसको देखते रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगता है आज का सेशन, और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का द हिंदू क्या है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। सबसे पहले आपके लिए ये वाली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ये न्यू हाईवे 3 टाइगर टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश। इसको पढ़ते हैं। इवन एज वर्क इन अंडर वे सिंस 2013 टू अ ले टाउन 156 किलोमीटर रोड थ्रू द नामदापा नेशनल पार्क। पहली बात ये कि जो ये नामदापा नेशनल पार्क है ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इसके तहत ये बात की गई है, ये जो नामदापा नेशनल पार्क है आपको इसमें जो टाइगर रिजर्व्स हैं इसके तहत 156 किलोमीटर तक के नई सड़क बनाने का योजना जो कि शुरू की गई है। एक RTI दी गई थी जिसके तहत जिसमें बोला गया था कि ये जो 156 किलोमीटर के जो सड़क मार्ग बनाया जा रहा है राज्य मार्ग के तहत, इसमें प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि राज्य में भाजपा सरकार और पूर्व में कामेंग जिले में 862 स्क्वायर किलोमीटर तक के पक्के टाइगर रिजर्व के माध्यम से 692.7 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना बनता है कि ये आपका नामदापा नेशनल पार्क कहाँ प्रेजेंट है। नामदापा नेशनल पार्क तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो यहाँ से आपको इतना समझना है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लोकल क्लीन ट्रैश ट्रेल सूरजकुंड मेला, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है सूरजकुंड मेला। देखिए जो सूरजकुंड मेला है ये हर साल मनाया जाता है। इस बार 34th नंबर का ये सूरजकुंड मेला था, ये हर साल फरीदाबाद में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला को हम इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर के नाम से भी जानते हैं। ये जो सूरजकुंड मेला है इसको हम इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला के नाम से भी जानते हैं। ये इस बार जो 16 दिन तक चला था, 1987 में इसको पहली बार बनाया गया था, और इसमें थीम कंट्री और थीम स्टेट दोनों होते हैं। 2020 का जो इस बार का जो मेला हो रहा है ये फरवरी 2020 को शुरू हुआ था और 16 फरवरी 2020 को इसको ख़त्म किया गया था। इस बार के जो मेले की जो थीम स्टेट थी वो हिमाचल प्रदेश थी। तो इसमें ये दिखाया गया है कि कुछ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने जो बॉटल्स और रैपर्स के डिफरेंट ब्रांड जो यूज़ किए गए थे, जो वहाँ पर लोग आए थे उन लोगों के द्वारा इसको डंपिंग ग्राउंड में फेंका गया है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल मनाया जाने वाला मेला है और 34th जो इसका एडिशनल मनाया गया था। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रहता है। देखते हैं कौन सा अगला इम्पोर्टेंट है। मालिना विजिट, US एम्बेसी क्लेरिफाई ऑन फर्स्ट लेडी विजिट टू दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ऑन ट्यूजडे। जिस तरीके से हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पहले नागरिक होते हैं, उसी तरीके से ये फर्स्ट लेडी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं मेलानिया ट्रंप। पहले कुछ दिन पहले भारतीय जो दूतावास है PMO की तरफ से एक मैसेज आया था कि PMO की तरफ से एक PMO के सोर्सेस से ये पता लगा था कि किसी भी स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है वो पार्ट नहीं लेंगे ट्रंप की विजिट में। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने इनवाइट किया था US प्रेसिडेंट की पत्नी मेलानिया ने बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगी अगर किस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हमें विजिट करवाते हैं वहाँ के स्कूल्स के। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ से। ये वाली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे इस न्यूज़ को। नो सिंगल कंट्री इज एडोकेटली प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस हेल्थ देयर एनवायरमेंट एंड देयर फ्यूचर्स अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय कमीशन ऑफ मोर देन 40 चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट फॉर अराउंड द वर्ल्ड।
इसमें ये बोला गया कि कोई भी एक सिंगल कंट्री बच्चों के भविष्य के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सजग नहीं है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, UNICEF ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये बोला गया है कि टोटल 180 कंट्रीज की लिस्ट में जो भारत का रैंक रहा है वो 77th रैंक रहा है। ये एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की तरफ से एक रिपोर्ट है। हालांकि ये पिछले साल इसका कई तौर पर, जैसे पिछली बार इसकी जो पोजीशन थी वो 131 थी, और इसके अलावा इसमें कई पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें बेस्ट चांस सर्वाइवल बीइंग फॉर चिल्ड्रन, कि किसी बच्चे को बढ़िया से फलने फूलने के लिए जो रैंकिंग है वो 131 रैंकिंग है भारत की इस टाइम प्रेजेंट में। तो ये भी इम्पोर्टेंट रह जाता है कि जो सस्टेनेबल इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है UNCF की और WHO की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो क्या रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 77th रैंकिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बता दें कि WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये वाला जो एडिटोरियल पेज तो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता ही है। इसमें ये बताया गया है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है। इसमें ये बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि 27 कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, एक्शन पॉइंट्स थे, जिसमें कि पाकिस्तान ने अच्छे कदम नहीं लिए, जिसकी वजह से उसको ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, ये किसी भी कंट्रीज के ऊपर इस चीज़ पर निगरानी रखती है कि किसी कंट्री को कोई मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई ऐसा पैसा तो नहीं आ रहा जो कि किसी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का निगरानी रखना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम रहता है। इसके तहत इसमें 39 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया है। अब अगर हम बात करें कि इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और इसको उनको वार्न किया गया है कि पाकिस्तान इस पर काम करे और आने वाले जून में इसको जो 14 पॉइंट्स बताए गए हैं उन पर भी इसको क्लियर कर सके। इसके अलावा अगर हम FATF को देखें तो FATF ने बोला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे तालिबान हो गया, अलकायदा हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद जैसी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको जल्दी से जल्दी इनके हेड्स को बंद करें और इनमें जो फंडिंग आती है, पैसा आता है, उनको रोका जाए। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसमें उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अभी तक 3 देश थे, चाइना टर्की और मलेशिया जो कि बचाते आ रहे हैं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इसमें रूल है कि कोई भी 3 कंट्रीज वीटो पावर यूज़ करके, अगर कोई 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो किसी कंट्री को कहती हैं कि भाई ये ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना चाहिए, तो उसको ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और अगर हम बात करें कि हमें मेन फोकस इस पे करना चाहिए कि टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, ना कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की तरफ। ब्लैक लिस्ट एक तरीके से टैग बनकर रह जाएगा अगर टेररिज्म को ख़त्म नहीं किया जाए। तो ये बात कही गई है इस रिपोर्ट के अंदर। उसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियाज पॉपुलेशन इज अमंग यंगेस्ट द एजिंग वर्ल्ड। इसमें ये बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2022 तक दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जिसमें 28 साल तक के लोग इसमें युवा हैं, और चाइना में लगभग 37 साल तक की एवरेज एज है, और वेस्टर्न यूरोप के अंदर 45 की एज है। अगर हम इसी तरीके से चलते रहें तो लगभग 2051 तक हमारी जो एज है वो बढ़ जाएगी। अगर और केरला की अगर हम बात करें, केरला पूरी तरीके से उस टाइम बूढ़ा हो चुका होगा। हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों पर कि हम स्किल्स को इम्प्रूव करें। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ दे रखी, द इकोनॉमिक सर्वे 2019 कॉल्स एडिशनल जॉब टू कीप प्लेस विद प्रोजेक्टेड एनुअल इंक्रीज वर्किंग एज पॉपुलेशन वी नीड। इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत है इंक्रीज करने की वर्किंग एज पॉपुलेशन,
और वी नीड अ वर्क फोर्स दैट वी वेल एजुकेटेड एंड अप्रोक्स एंड अप्रोप्रिएटली स्किल्ड. हमें ज़रूरत है अपने वर्क फोर्स को स्किल्ड बनाने की. यूनिसेफ 2019 के रिपोर्ट के अनुसार एटलीस्ट 47% इंडियंस यूथ आर नॉट ट्रैक टू हैव अ एजुकेशन एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयज एंड 2030. तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 47% इंडियन यूथ हैं जो कि किसी भी ट्रैक पर नहीं है. उनके पास एजुकेशन है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है. अगर इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम पर देखने को ये मिलेगा कि हमारे देश में डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं, जो कि अभी से हमें इसका इम्पैक्ट देखने को दिखाई दे रहा है. चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ये वाला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला लिमिटिंग ऑफ फंडिंग वाला. देखिए इसमें क्या देखा है, दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडिया इज एडुकेट इन टर्म्स ऑफ मनी पर्सनल एंड एम्बिशंस इट्स न्यूज़. देखिए ये क्या चीज़ है, इसमें ये है कि भारत को ज़रूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में अपना मतलब इंक्रीज करने की. अगर हम ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल लें, जैसे ये देखो ये टेक्निकल एजुकेशन का इसने एग्जांपल लिया है. इसमें जैसे हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि हर साल इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, इंजीनियर बन के निकलते हैं. लेकिन हम अगर हम देखें कि बहुत ही कम लोग हैं जो कि अच्छी नौकरियां ले पाते हैं और अच्छे फील्ड में जा पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर कॉलेज और जो उनका प्रशासन है वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता, उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं होता, जो कि एक किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए एक लूप होल की तरह काम कर रहा है. जैसे कि अगर हम देखें कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनको हर साल क्या दिया जाता है, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर काम करने को बोला जाता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में बहुत ही कम ही लोग ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट खुद अपने तरीके से बनाते हैं. ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि वो आसपास की किसी शॉप से प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल खरीद लेते हैं. अब इसकी वजह से क्या होगा कि स्कूल, ये बात जो कॉलेज प्रशासन है उसको भी पता है, टीचर को भी पता है, जो एग्जामिनर आ रहा है उसको भी पता है कि भाई ये खरीदा हुआ है. लेकिन अब फिर बाद में हम क्या एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चा कुछ हमें बताएगा, लेकिन हम पहले नहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे कि हमने जब पढ़ाया नहीं है. अभी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर मेरे को हक है कि आपसे क्वेश्चन पूछने का कि इसमें क्या चीज़ें हैं. लेकिन जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. कुछ ही इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs हो गई, NITs हो गई, जो कि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चती हैं, जिसमें से कुछ बच्चे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि विदेशों में US, UK ऐसे कंट्रीज में सर्व करने चले जाते हैं, जिससे फिर हमें हमारे देश को कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता. तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी ये. उसके अलावा ये भी एक न्यूज़ है, इसको देख लिया हम. द सुप्रीम कोर्ट वॉज रूल्ड दैट कोटाज एंड रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जातिगत आरक्षण है वो प्रमोशन के जॉब में, सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने बोला है कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप प्रमोशन के लिए इस जातिगत प्रमाण पत्र का यूज़ करें. उन्होंने बोला है द टॉप ऑफ द कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेड दैट स्टेट कुड नॉट बी फोर्स टू मेक अ सच प्रोविजंस विदाउट डेटा शोइंग इम्बैलेंस अ रिप्रेजेंटेशन सर्टेन कम्युनिटीज इन पब्लिक सेक्टर वॉइस. कि बहुत सारे टॉप कोर्ट्स ने ये बात कही है कि आप अपने जो डेटा को दिखा के, सिर्फ अपना बैकग्राउंड दिखा के प्रमोशन नहीं ले सकते. ये वाइल द लीगैलिटी ऑफ द रूलिंग कुड बी कंटेंडेड बाय द लीगल एक्सपर्ट्स, द टॉप कोर्ट एडवाइस ऑन द क्वांटिफाइबल डेटा ऑन अंडर रिप्रेजेंटेशन एग्जिबिट लैक ऑफ ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटस दलित. मीन्स कि अभी भी अगर हम देखें, ये तो न्यूज थी हाई कोर्ट की, लेकिन अगर हम एक्चुअल न्यूज में देखें तो लगभग 17%, ये जो 17% डेटा है ये वाला, माफ कीजिएगा, ये वाला कि अमित थोराट
की रिपोर्ट है, सर्वे है मतलब कि, इसमें बोला गया 47% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अनटचेबिलिटी को फेस करते हैं गांव के अंदर, 67% और 77% ब्राह्मण रूल है शहरों और गांवों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखा जाए तो। ये कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रहा है कि अभी भी पूरी तरीके से ये छुआछूत का जो भेदभाव है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यूज थी इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें आप एक एडिशनल जानकारी ये भी याद रख सकते हो कि जो ये अनटचेबिलिटी का है ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो अनटचेबिलिटी हमारे आर्टिकल नंबर 17 में बता रखा है कि अनटचेबिलिटी नहीं एक कानूनी अपराध है अनटचेबिलिटी किसी भी व्यक्ति के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक ये इम्पोर्टेंट न्यूज है गोकेश बैग्स, ये जो डॉक्टर सॉरी ग्रैंड मास्टर डी गोकेश है ये 13 साल के बच्चे हैं, 13 साल का एक बच्चा है जिसने 34th जो चेस की जो गेम होती है 34th जो कैंस ओपन चेस है, याद रखें 34th कैंस ओपन चेस का खिताब जीत लिया है, ठीक है। नाम है गोकेश डी गोकेश, ठीक है, 34th कैंस ओपन चेस चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। ये तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रह जाता है, ये अवार्ड्स में चाहेगा तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इधर से इसको ध्यान रखें। ये भी इम्पोर्टेंट है, इमेज में दिखाई दे रहे हैं जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार वाज द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडियाज ऑन द फाइनल डे, लास्ट डे में जितेंद्र कुमार ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीत लिया है। ये एक रेसलर है जिन्होंने ये जीता है। अभी फिलहाल सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है जो कि लास्ट डे था संडे को इन्होंने जीत लिया है, तो ये भी याद रखें कि ये कजाकिस्तान में हो रही है ये चैंपियनशिप, कजाकिस्तान में होने वाली चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया है। ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है जितेंद्र कुमार, ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान से याद रखें। तो आज का सेशन यहीं रोकते हैं, उसके लिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हु अमंग दिस हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू CEO ऑफ पॉलिसी बाजार, द राइट आंसर इज सरवीर सिंह, ओके सरवीर सिंह यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ट इंडियाज टॉलेस्ट रेलवे पैरियर ब्रिज इन बिल्ट इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है, द प्राइम मिनिस्टर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दीज कंट्री रिजाइन ऑफ 20 February 2020, तो आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फरवरी 20, 2020 को आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज न्यूजीलैंड बैट्समैन बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट, ये बने हैं रॉस टेलर जो कि पहले क्रिकेटर बन गए हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, 100 मैच इन्होंने खेले हैं तीनों फॉर्मेट्स को मिला के, ठीक है, रॉस टेलर। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि खेलो इन विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया फेस्टिवल गेम्स बिगन फ्रॉम 22 February 2020, 22 February 2020 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर सबसे पहले, कौन से स्टेट में सबसे पहले शुरू होने वाली है, तो ये होंगी कहाँ पर, ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। द फाउंडेशन स्टोन फॉर थल सेना भवन हैज लेट डाउन इन, इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, अगर वीडियो को पॉज करके लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली हमने अभी कल ही पढ़ा था इसको, कहाँ पर था ये, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था थल सेना भवन का। थल सेना प्रमुख कौन है हमारे, मनोज मुकुंद नरवणे हमारे थल सेना प्रमुख है। हु अमंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एडवाइजर
कोच बना दिया गया है अमरजीत सिन्हा को, अमरजीत सिन्हा को, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट कर लें अपने, अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए होंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन सारे ख़त्म होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।